अपराधी किसी भी जाति धर्म का हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब वो तो पता लग जाएगा ये सुंदरावली गांव है या कौन घेराव करने आता है, ठीक है ना, वो तो सुंदरावली के जवाब दे देंगे उसके लिए तो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी बुद्धि सठिया गई है, उनको पता नहीं उनका दिमागी हालत ठीक है या नहीं है। उनको खड़ा होना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए था कि राजस्थान की पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त हुई है, गौ तस्कर इलाका छोड़ के भागे हैं, गौ तस्करी बंद हुई है, OLX ठग सेक्सटॉर्शन जैसे विषयों पर लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई करते थे उनसे पैसा हटते थे, बहुत लोगों ने आत्महत्याएं कर ली, उन लोगों की जान बची है। OLX ठगों के खिलाफ राजस्थान की पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। हमें तो शर्म आती थी कि जब आंकड़ा देखते थे पूरे देश में 18% जो अपराध होता है ऑनलाइन OLX ठगी का वो डिग जिले में होता है और राजस्थान में सर्वाधिक डिग जिले में होता है। हम यहाँ के प्रतिनिधि हैं, हमारा फर्ज बनता है कि अपराध के खिलाफ हम कार्रवाई करें। आज नगर विधानसभा क्षेत्र में गुंडागिर्दी खत्म हुई है, अमन चैन की जिंदगी लोग जी रहे हैं, यहाँ भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, लोगों की ईमानदारी की लड़ाई लड़ी जा रही है। और वो बिना वजह की उलझलूल बातें करते हैं, वो कह रहे थे कि मैं सीना तान दूंगा, क्यों नहीं आए कल, छुप के क्यों बैठ गए, पीले पंजे के सामने आते। अपराधियों के समर्थन में खड़ा होना किसी भी जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता। मैं तो ये कहूंगा कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, वो सही लाइन पे आए और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस के और राजस्थान की सरकार के साथ खड़े हों। सर उनका कहना है कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, विशेष तौर पर एक समुदाय को, साथ में ऐसा कुछ भी कहा गया है कि ऐसे बयान भी कल सामने आए हैं कि वक्त जब कार्रवाई हो रही थी उस वक्त में कि जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है, यानी कि बीजेपी अगर यहाँ से हारी है भरतपुर से, तो उसका भी मेन रीजन रहा है जिस तरह की अभी ये कार्रवाई की जा रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास और सबका विकास का जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का नारा है उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मैं कहता हूं उनकी अपरपक्व सोच है। मैं तो कहूंगा वाजिब को कल धन्यवाद देना चाहिए था राजस्थान की पुलिस को कि आपने अपराध कम करने के लिए कार्रवाइयाँ शुरू की हैं। उनको चाहिए था प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते कि आपने ERCP की योजना में सीकरी बांध को शामिल किया है। उनको चाहिए था मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते, उन्होंने किसान सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ा करके 8,000 रुपये किया है, जिसको 10,000 रुपये तक हम ले जाएंगे। उनको धन्यवाद देना चाहिए था किसानों के गेहूं के समर्थन मूल्य को 2,275 से 2,400 रुपये क्विंटल किया है। उनको धन्यवाद देना चाहिए था डीजल पेट्रोल पर 5 रुपये लीटर कम किए हैं। उनको धन्यवाद देना चाहिए था कि जो लोग नकल माफिया था उसको बंद करने का काम किया है, जो नकल के तरीके से जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, सरकारी नौकरी ले रहे थे, जो मेहनत करने वाला युवा है उसका कुठाराघात कर रहे थे, उसके खिलाफ राजस्थान की पुलिस ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रहार शुरू किए हैं जिससे गरीब को मौका मिल सके। उनको धन्यवाद देना चाहिए था कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, शहीद की मूर्ति का अनावरण करने के लिए आ रहे हैं, उनका स्वागत करना चाहिए था। बचपने की हरकत ठीक है, वो उनका करना उनके साथ है। जवाहर सिंह बेडम तो अपराध के खिलाफ था, है और रहेगा। अपराधी किसी भी जाति धर्म का कितना भी बड़ा हो उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। कितने जवानों को मुख्यमंत्री सुरक्षा? मुख्यमंत्री स्वयं अकेले आ जाएं, भरतपुर के शेर हैं, जवाहर सिंह बेडम है यहाँ, और कोई आए जो कल देख ले सुंदरावली के जवानों का कौन मुकाबला करे। नमस्कार, इस वक्त आप DTV न्यूज देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं इस वक्त मेरी मौजूदगी राजस्थान के डीग जिला है, डीग जिले के नगर विधानसभा के सुंदरावली गांव में। मैं आपको बताना चाहूंगा पुलवामा हमले में शहीद हुए जीतराम जो है उनकी मूर्ति का कल अनावरण है। मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुँच रहे हैं, किस तरह की तैयारियाँ यहाँ पर हैं वो सारी बात करेंगे। मंत्री साहब हमारे साथ हैं, जवाहर सिंह बेडम जी। सर कल मुख्यमंत्री साहब यहाँ आने वाले हैं, किस तरह की तैयारियाँ हैं शहीद जीतराम जी की मूर्ति का अनावरण के अवसर पर? देखिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्रद्धेय भजन लाल शर्मा जी कल 2 बजे गाँव सुंदरावली पहुँच रहे हैं जी। उनकी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए डीग की जिला कलेक्टर श्रुति जी, मैं स्वयं और इस गांव के और आसपास के प्रमुख लोग यहां पहुंचे हैं। शहीद जीतराम हमारे लिए गौरव है जी। पुलवामा हमले में वो शहीद हुए और उनके परिवारिक जनों ने उनकी एक प्रतिमा की स्थापना की है जी। उनका मन था कि हम विशेष व्यक्तित्व से ही इस प्रतिमा का अनावरण करवाएंगे, अन्यथा इसको कई वर्ष हो गए बने। तो माननीय भजन लाल शर्मा जी को आग्रह किया, हम तो हृदय से आभारी हैं उनके,
कि उन्होंने एक मिनट नहीं लगाया और उन्होंने कहा कि देश के शहीदों की प्रतिमा का अनावरण करने का यदि मौका मिलता है तो मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। और वो कल गांव सुंदरावली में पहुंच रहे हैं सर। गांव के लोग और आसपास के लोग सब उनका भव्य स्वागत भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत कम समय में जो सौगातें नगर विधानसभा क्षेत्र को, भरतपुर जिले को दी हैं, उनसे लोग अभिभूत हैं और उनका आभार व्यक्त करने के लिए भारी संख्या में लोग हैं पहुंचे। कल काले झंडे दिखाने की बात है, पूर्व विधायक का बयान आया कि जिसमें कहा गया कि घेराव भी करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे मुख्यमंत्री के सुंदरावली आगमन पर। ये उनका मानसिक दिवालियापन है और उनकी बुद्धि को मैं क्या कहूँ, मुझे तरस आता है। वो लोग उन लोगों के साथ खड़े हैं जो OLX ठगी करते हैं, जो सेक्सटॉर्शन में लोगों को फंसा करके उनकी जीवन लीला समाप्त करने तक की साजिश रचते हैं। वो लोग उनके साथ खड़े हैं जो गौतस्करी करते हैं। अब उनका धंधा बंद हो रहा है तो उनको तिलमिलाहट है। अरे उनको चाहिए था वो धन्यवाद देते कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीकरी के बांध को ERCP की योजना में जोड़ा है। उनको धन्यवाद देना चाहिए था कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक डीग जिले को एक्सप्रेस वे देने वाले हैं। उनको धन्यवाद देना चाहिए था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सड़कों का जाल बिछाने के लिए अनेकों यहाँ घोषणाएं नहीं स्वीकृति जारी की है। उनको धन्यवाद देना चाहिए था कि जो आपने थानों में अनियमित तरीके से गांवों को जोड़ रखा था, उनको एक रूपता लाने के लिए गाँव की मांग पर उनकी मांग को पूरा करने का काम किया है। उनको धन्यवाद देना चाहिए था कि यहाँ कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, गुंडा राज खत्म हुआ है, लेकिन नहीं, उनका धंधा खत्म हो रहा है। जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। कितनी व्यवस्था यहाँ पर पुलिस की गई है, क्या सारी व्यवस्था है? माननीय मंत्री महोदय के निर्देशन में पूरी पुख्ता व्यवस्थाओं का इंतजाम कर दिया गया। सभी को रूट का क्या टाइम रहेगा, क्या टाइम आने वाला? अभी फाइनल कंफर्मेशन हमारे पास टाइम का नहीं आया, आते आपको सूचित करेंगे। 2 बजे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्रद्धेय भजनलाल शर्मा जी ग्राम सुंदरावली में पहुंच रहे हैं। सुंदरावली में हमारे सबके लाडले सपूत शहीद जीतराम गुजर जी की प्रतिमा का अनावरण समारोह है। वो उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे, क्योंकि गांव वालों की सबकी इच्छा थी, उनके परिजनों की इच्छा थी कि शहीद जीतराम की मूर्ति का अनावरण कोई विशेष व्यक्तित्व करे। गांव की सरदारी गई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मिनट में समय दिया कि मेरा सौभाग्य होगा जिन लोगों ने देश की सुरक्षा में अपने प्राण न्योछावर किए हैं उनकी प्रतिमा का अनावरण मैं करूं। कल पहले वो 11 बजे सुबह हमारे सदी के महानायक कर्नल सिद्धे स्वर्गीय भैंसला साहब की मूर्ति का अनावरण करेंगे मुंडिया में, जो गंगापुर सिटी जिले में आता है, और 2 बजे शहीद जीतराम जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। दोनों ही व्यक्तित्व अपने अपने क्षेत्र में उनका अलग अलग योगदान है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जब आ रहे हैं, नगर विधानसभा क्षेत्र का गांव है सुंदरावली, बड़ा गांव है, तो पूरे गांव के ही लोग नहीं, आसपास के सब लोग उनका पलक पावने बिछा करके स्वागत और अभिनंदन करेंगे। अभिनंदन इसलिए भी करेंगे कि उन्होंने ERCP की महती योजना में सीकरी बांध को शामिल किया, जिससे नगर का 80% एरिया सिंचित होता है। अभिनंदन इसलिए भी करेंगे कि उन्होंने मात्र 6 महीने के इस कार्यकाल में किसानों को, गरीबों को बहुत लाभकारी योजनाएं लागू की हैं। अभिनंदन इसलिए भी करेंगे कि ये एक बड़ौदा मेव से भरतपुर तक एक्सप्रेस वे प्रस्तावित किया है, जिसकी DPR बनने की मंजूरी आ गई है, वो भी सुंदरावली के इर्द गिर्द होकर ही निकलेगा। इसलिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी का इसलिए भी अभिनंदन करेंगे कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं। भारत में सरकार भारतीय जनता पार्टी नीति गठबंधन की है, राजस्थान में सरकार माननीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में है। उनका नारा अपराध मुक्त राजस्थान, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान और विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बनाने का जो है वो साकार होने के लिए आगे बढ़ रहा है। इसलिए हमारे लाडले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का भव्य स्वागत यहाँ किया जाए।
बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार आप हमारे साथ देखते रहे। मैं आपको बता दूं, शहीद जीतराम जी की मूर्ति का अनावरण कल है, यानी कि सुंदरावली में है। वो सुंदरावली नगर भरतपुर का लाल था, जिन्होंने पुलवामा में अपनी जान गंवाई थी और वो शहीद हुए। और आज उनकी मूर्ति के अनावरण से पहले का वक्त जो है उसमें यहाँ पर मंत्री साहब और यहाँ डीग जिले के जो कलेक्टर हैं वो यहाँ पहुँची हैं। वहाँ की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की तैयारियाँ उसको लेकर की जा रही हैं वहाँ पर। और साथ ही ये भी बता दें कि जो बड़ी खबर ये है कि जो पूर्व विधायक हैं उनका बयान था कि हम कल घेराव कर सकते हैं, काले झंडे दिखा सकते हैं, उसको लेकर भी हमने जाना कि उनका पुलिस की तरह से पूरी तरह से जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। जिस तरह की जो तस्वीरें हैं वो अभी आपके सामने हैं और मंत्री साहब ने जो बातें की हैं वो आपने सारी बातें अभी सुनी। लगातार आप हमारे साथ देखते रहे हैं। कैमरा पर्सन इस्माइल मनान के साथ मैं आपका अपने जी कोहली, DTV न्यूज़ से धन्यवाद।